नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदी पढ़ेंगे। यहां देख रहे हैं तीन नदी के बारे में चर्चा करेंगे आज, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये तीनों नदी जो है दोस्त दक्षिण भारत की नदी है, इसको प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है तीनों। यहाँ से तीनों नदी से क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 20 साल का, इसी तीनों नदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायद्वीपीय नदी से। इसके अलावा बहुत सारे नदी हैं भारत में, ठीक है, लगभग देखा हजारों नदियाँ हैं भारत के अंदर में, और दक्षिण भारत में बहुत सारी नदी है। तो ये तीनों नदी इंपॉर्टेंट नदी, इसको पढ़ाने के बाद जो है मैं आपको चंबल नदी, बेतवा नदी, यमुना नदी, पेरियार नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ये सारी नदी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये तीनों नदी पहले इंपॉर्टेंट आप पढ़ लीजिए। इसके पहले मैंने तीन नदी इंपॉर्टेंट डाल चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में, ठीक। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है पहले ये बताइए आप लोग। याद रखिए, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक चोटी है त्र्यंबक चोटी, त्र्यंबक चोटी नासिक जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिखा भी हूँ और आपको स्पष्ट लिख दूँ ताकि आप भूलें ना। तो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक चोटी महाराष्ट्र, यहाँ से निकलती है। और कहाँ गिरती है ये नदी? देखें, ये गोदावरी नदी है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी। ये निकल रही, ये देखिए गोदावरी नदी। अब कहाँ गिर, देखिए यहाँ पे कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ समझ में आया, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये दो धाराएं बन जाती, एक इधर जाके जाती है, उसका नाम गोमती हो जाती है, गोतमी। जो इधर आती है उसका नाम विशिष्ट है। लेकिन दोनों गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये चूंकि डेल्टा बनाएगी, ये नदी के डेल्टा बनेगी ना, एस्चुरी नहीं बनाएगी, याद रखिएगा। अब गोदावरी नदी के जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पहले लिखा हूँ उसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, मंजीरा, इंद्रावती, मंडेर, प्रवरा, मूला, वर्धा, वैनगंगा और पैनगंगा, ये सारे सहायक नदी। आपको एक भी नदी जो है नहीं छोड़ना है, सारे सहायक नदी याद करना है, क्योंकि नदी से ज़्यादातर जो है उसकी सहायक नदी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे मंडेर निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है। तो सहायक नदी मत छोड़िए, बाकी छूट जाए चल जाए, लेकिन सहायक नदी आपको याद रखना ही है। आइए इस डायग्राम को देख लेते हैं, कौन सी नदी किधर से आती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे दुधना नदी जो है ऊपर से आ रही है, उसके बाद पूर्णा नदी जो अजंता की पहाड़ी से एक नदी आती है, पूर्णा नदी, ठीक है, वो गोदावरी की सहायक नदी है। अभी आई इधर साथ एक नदी है मंजीरा, मंजीरा जो कि वहाँ तेलंगाना में एक बालाघाट है, वहीं से आके मिलती है, ठीक है, गोदावरी नदी से, ठीक है, बालाघाट से निकलती है मंजीरा नदी, गोदावरी नदी से मिलती है तेलंगाना में आके। और ये हम बात करते हैं प्राणहिता, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता से पहले तीन नदी जो है एक स्थान पर मिलती है, एक तो पैनगंगा, दूसरा वैनगंगा, तीसरा वर्धा। तो वैनगंगा जो है अजंता की पहाड़ी से निकलती है, वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? अजंता की पहाड़ी से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। वह वर्धा भी इसकी सहायक नदी है, सतपुरा पर्वत से निकलती है वर्धा। नीचे आइए पैनगंगा, विंध्याचल पर्वत से पैनगंगा निकलती है, जो प्राणहिता में आकर मिलकर जो है गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है। अधिक क्वेश्चन आता है पैनगंगा किसकी सहायक नदी, तो गोदावरी ही टिक मारिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी नदी आके यहीं तो मिलती है गोदावरी से ना। उसके आगे इंद्रावती नदी जो है कहाँ से निकलेगी? छत्तीसगढ़ से निकलेगी, कलाहंडी एक पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, वहीं से इंद्रावती निकलती है, जो गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है ना। तो कालेश्वर स्थान पे जो है मिलती है गोदावरी नदी से इंद्रावती। तो मैं यहाँ इंद्रावती नदी से एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इंद्रा नदी पर जलप्रपात बनाया गया है, उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्त, हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पे है, तो क्या बोलेंगे? इंद्रावती नदी पे है, ओके, छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अब आगे थोड़ा और बढ़ेंगे आप, ठीक है, ये एक नदी सबरी और दूसरा इधर सलूरी, ये दोनों नदी एक स्थान मिलकर जिसकी सहायक नदी बन जाती है, सबरी और सलूरी, किसकी? गोदावरी की। अब गोदावरी नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। 1465 इसकी लंबाई है, कितना? 1465 किलोमीटर। अधिक क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप?
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है दोस्त, इसको विरुद्ध गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? विरुद्ध गंगा। ठीक है, विरुद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको विरुद्ध गंगा? तो याद रखना है, जो हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी है, उस गंगा नदी से पहले इसका जो है उद्गम हो चुका था, उद्गार हो चुका था, इसलिए विरुद्ध गंगा कहा जाता है। अब इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इस नदी को। अभी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहेंगे? तो गोदावरी नदी को ही कहेंगे। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहेंगे? गोदावरी नदी को ही कहेंगे। और इसका जो विस्तार है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। कहाँ से? महाराष्ट्र से स्टार्ट होगा, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ गिर जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे। ये था गोदावरी नदी, एक ये था गोदावरी नदी। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। ठीक, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। और कहाँ से निकलती? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से। कहाँ से निकलती? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से। इस महाबलेश्वर चोटी से लगभग 6 नदियाँ निकलते हैं। ठीक है, आपको कृष्णा नदी के बारे में पढ़ना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। हाँ, एक्चुअली मैं बताऊँ पहले, ये है कृष्णा नदी। और कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है? तो याद रखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ये भी डेल्टा बनाएगी, ना कि एश्चुरी बनाएंगे। कहाँ से निकली? महाराष्ट्र से। और कहाँ? बंगाल की खाड़ी। एक्चुअली कौन कौन राज्य को क्रॉस करेंगे? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर रिपीट करता हूँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाएंगे? तेलंगाना। उसके बाद कहाँ आएंगे? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कहाँ? आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे। क्लियर। अब उसकी हम बात करेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी देख लीजिए, वरना। यहाँ से आ रही एक नदी है वरना, फिर उसके नीचे आइए, उसका एक पंचगंगा, थोड़ा दूधगंगा। पंचगंगा और दूधगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की ही सहायक नदी है, याद रखना है। अब हम एक कोयना, कोयना नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। और यहाँ पे कोयना परियोजना भी है, जो कोयना परियोजना, कोयना बांध किस नदी बनाया गया है? तो कोयना नदी बनाया गया है। उसके नीचे आप आएंगे, आपको मिलेगा मालप्रभा परियोजना या मालप्रभा नदी। मालप्रभा नदी जो है इसी कृष्णा की सहायक नदी, मालप्रभा परियोजना इसी मालप्रभा नदी पे बनाया गया है। परियोजना मतलब बांध, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप, ये इधर जाइए ऊपर, ये है भीमा नदी। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा नदी ऊपर से आ रही है, याद रखना। एक्चुअली ये डायग्राम इसलिए मैं बनाया हूँ दोस्त, कि आप इस डायग्राम को बना बना कर घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो पूरे जीवन भर ये सहायक नदी याद रहेगा। इसलिए मैं यहाँ डायग्राम बना दिया हूँ। डायग्राम यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि मैं कम समय में आपको अधिक चीज़ पढ़ा सकूँ, कम समय में बहुत अधिक चीज़ पढ़ा सकूँ, इसलिए मैं पहले लिख डालता हूँ। ओके, आइए हम बात करेंगे भीमा परियोजना के बारे में। आप समझ में आया कि भीमा नदी बनाया गया। उसके नीचे और आएंगे तो आपको मिलेगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी, तुंगभद्रा नदी। तो आगे बढ़ेंगे, तुंगभद्रा परियोजना भी है। यहाँ पे छोटी छोटी दो नदियाँ हैं, तुंग और भद्रा, दोनों मिल जाती है आपस में, तो कहलाती है तुंगभद्रा नदी। ओके, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है तो याद रखना है। यहाँ पे नागार्जुन परियोजना भी है, एक बात याद रखिएगा। नागार्जुन परियोजना जो है कृष्ण नदी पे है, आपको याद रखना है। तो ये जो है, चलिए, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक जगह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन जो है, नागार्जुन परियोजना जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और आगे बढ़ेंगे दोस्त, मुशी नदी मिलेगा आपको। मुशी नदी, मुशी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। मुसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। नागार्जुन परियोजना तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा है पेपर में, ठीक है। नागार्जुन परियोजना जो है, ठीक है, और किस नदी पे बनाया गया है तो क्या बोलेंगे? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ओके, अब लास्ट में कहाँ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अभी आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। फिर आगे चलते हैं कावेरी नदी के पास, ठीक है। कावेरी नदी के बारे में बहुत सारे इन्फैक्ट लिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसकी लंबाई आप देख लीजिए। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, पहले देखिए आप। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ठीक ठीक। कर्नाटक में एक पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसको बाबा बुद्धिन की पहाड़ी भी कहते हैं, जिसको बाबा बुद्धिन की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो बाबा बुद्धिन की पहाड़ी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी, ये है आपका कावेरी नदी, ये है कावेरी नदी।
और कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी देखिए, हारंगी, हेमावती, भवानी, अमरावती, सुयार, हारंगी, अकरावती और सुवर्णवती, ये सारे इसके सहायक नदी हैं। सारे सहायक नदी आपको याद रखना होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पाई जाइए कावेरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसकी यहाँ भी देखिएगा, कावेरी इधर से आ रही है, शिमला उधर से आ रही है। ठीक है, अकरावती ऊपर से आ रही है, अमरावती इधर से आ रही है और स्वर्णवती उधर से आ रही है। ठीक है, ये सारी नदियाँ आपको याद रखना है सहायक नदी के बारे में। अब कावेरी नदी के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये दक्षिण की गंगा इसको कहेंगे। ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाएगी कौन, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी जो है, और कावेरी नदी में सालों भर पानी रहता है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे जो है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका तो पानी इसको मिलता है, जो लौटता हुआ जो मानसून है दोस्त, उत्तर पूर्व मानसून, उस दोनों का पानी मिलता है। ठीक है, वर्षा भी होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पानी आता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें सालों भर पानी रहती है, तो यहीं पे कावेरी नदी में, बाकी कृष्णा गोदावरी में सालों भर पानी नहीं रहता है, याद रखिएगा। अब कावेरी नदी का जो सबसे अधिक विस्तार है तमिलनाडु, यहाँ पे 56% की बात यहाँ पे मैं, ये तमिलनाडु है, क्या ये तमिलनाडु में इसका जो विस्तार 56% है, वहीं जो है केरल में 3% और उसके बाद जो 41% वहाँ देख रहे हैं ये है कर्नाटक में, ये है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में 41%, केरल में 3%, तमिलनाडु में 5%। आपको पता होगा कावेरी नदी को लेकर विवाद भी है दो राज्यों के बीच में, कावेरी नदी को लेकर विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है कावेरी नदी को लेकर, आपको ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हम बात करेंगे कावेरी नदी संबंधित कि गगन चुक्की तथा भार चुक्की, इसके दो जलप्रपात हैं इस नदी के द्वारा, बहुत सारे जलप्रपात बनाएंगे लेकिन दो जलप्रपात आपको याद रखना है, दो जलप्रपात वाटरफॉल, एक गगन चुक्की दूसरा भार चुक्की, इसको दोनों सम्मिलित रूप से, दोनों जलप्रपात के सम्मिलित रूप से एक शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण होता है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे, कावेरी नदी पे, इस भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद इन नदी के द्वारा जो है, कावेरी नदी के द्वारा जो है, दो द्वीप भी बनाए गए हैं, एक तो है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा है शिव समुद्रम द्वीप। तो याद रखिएगा, अधिक क्वेश्चन पूछता है किस नदी के द्वारा श्रीरंगपट्टनम द्वीप बनाया गया है या शिव समुद्रम द्वीप बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे, कावेरी नदी से बनाया गया है, कावेरी नदी से बनाया गया है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने तीन नदी के बारे में डिस्कशन किया, इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ हैं, करीब कम से कम 10 से 12 नदी के बारे में और पढ़ाऊंगा। उस साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा दक्षिण बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी, कौन कौन नदी गिरती है और अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है, ये भी मैं साथ में बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो एक बार फिर जल्दीबाजी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आपसे बताते रहिए फटाफट, जो गोदावरी नदी है कहाँ से निकलती है, आप क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पर्वत से। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर है। ठीक है, किन किन राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी, जैसे कि वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा और इधर मंजीरा, उसके बाद इंद्रावती, सबरी, सुलुड़ी, ये सब क्या है, इनकी सहायक नदी है। दो चार बार लिखिए आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे उसके कुछ इसके अलावा भी कुछ सहायक नदी लिखा हूँ, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और महाबलेश्वर चोटी से निकलती है महाराष्ट्र के, और ये जो है बंगाल खाड़ी में गिरेगी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं, जैसे पूर्ण, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ये सब इसकी सहायक नदी हैं, याद रहेगा। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कुछ इसके अलावा भी लिखा हूँ, बोरी, बंदर, हगरी, डीडी, कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, इसकी सहायक नदी, ये भी साथ में देखना आपको। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा कावेरी नदी, इसकी लंबाई कितना है, 760 किलोमीटर। इसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, कावेरी, शिमला, अकरावती, स्वर्णवती, अरावती, बहुत सारी नदियां हैं कि सहायक नदी बहुत होते हैं। ये नदी जो कावेरी है, कम से कम 12 सहायक नदी है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक में इसकी जो विस्तार है 41%, केरल में 3% और तमिलनाडु में 56%। अब इस नदी के द्वारा जो
शिव समुद्र जलप्रपात बनाया गया है। इसके पहले दो जलप्रपात दोनों एक स्थान पर मिलता है, गगन चुक्की जलप्रपात तथा भर चुक्की जलप्रपात। उस सम्मिलित जलप्रपात को बोलते हैं शिव समुद्र जलप्रपात। और दो द्वीप बनाया गया है, एक द्वीप का नाम श्रीरंगपट्टनम, दूसरा नाम है शिव समुद्र द्वीप कावेरी नदी बनाया गया। ठीक है दोस्त, ये था आज नदी का टॉपिक। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।